जी, सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली वेरी लॉग कोडिंग पढ़ ली थी, जिसके अंदर हम, ये आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है कि ओके, अब फुल स्क्रीन होगी होगी ओके। जी सर, आप फॉलो। यस सर। तो हमने कुछ डिजाइन एग्जांपल्स और फिर उनका वेरिलॉग कोड करना पढ़ा था, ठीक है। तो सो बेसिकली हमने कहा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे डिक्लेयर होती हैं, फिर हमने मॉड्यूल का इंस्टेंस कैसे बनता है कि अगर जिस तरह हमने कहा था कि फाइफो के अंदर काउंटर को का इंस्टेंस बनाना हो तो वो कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद हमने जो हर कंपोनेंट था, गेट्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, उन सब का कोड लिखा। हमने कहा कि ऑलवेज एटस्टैटिक डालेंगे अगर कम्बिनेशनल सर्किट्स हुए, जिस तरह गेट्स और मल्टीप्लेक्सर हुए, और गेट्स के लिए हमने देखा था एंड और के वही सिंबल हैं जो सी में है, एक्स और के लिए नया सिंबल था, नॉट का भी वही था। मल्टीप्लेक्सर के लिए हमने देखा था कि स्विच टाइप की स्टेटमेंट, इसमें एक के स्टेटमेंट है जो कि वैसी है, और फिर हमने देखा था कि डेटा वैल्यूज जो है उनमें हम बजाय जिस तरह सी में लिखते थे, उसमें सी में अगर हमने हेक्स में लिखनी हो तो 0x लिखते हैं पीछे, इसमें अगर लिखना हो तो हम साथ विड्थ भी बताते हैं, फिर टिक लगा कर बताते हैं कि बाइनरी में, हेक्सा में है, के ऑक्टल में है, किसमें, या डेसिमल में है, और उसके बाद आगे हम नंबर लिख देते हैं उसी फॉर्मेट में, और दरमियान में हम अंडरस्कोर्स डाल सकते हैं जो कि इग्नोर हो जाते हैं कंपाइलर की तरफ से। फिर हमने देखा था डीमक्स का भी इसी तरह कोड था, लेकिन हमने कंकैटिनेशन पढ़ी थी कि कैसे मल्टीपल वायर्स को अगर हमने जोड़ना हो तो हम कर्ली ब्रैकेट्स में एक एक करके जिन जिन को जोड़ना हो उस तरह लिख देते हैं, रेप्लीकेट करना हो तो हम दो दफा कर्ली ब्रैकेट्स डाल के उसमें बता देते हैं। तो ये था, और रजिस्टर के लिए हमने कहा था कि ऑलवेज एट के आगे स्टैटिक के बजाय पॉजिटिव क्लॉक लगेगा, बिगिन एंड उसी तरह है, और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट लगेगी जो कि काइंड ऑफ पढ़ा हुआ इसको भी है मेरे पास। तो ये वाली जो असाइनमेंट है इसको हमने कहा था कि ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, इसका ये मतलब है कि इसका मतलब एक्चुअली शायद मैं लास्ट टाइम नहीं बता सका था कि अगर कहीं पे लिखा हो, सॉरी राइट क्लिक पता नहीं हो रहा है, ये अगर मैं इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं, तो इनमें लेट्स से कि ये कहीं पे बिगिन एंड लगे हुए थे, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था लेट्स से कि मैं कहता हूँ इसको काट, तो मैं कहता हूँ सी इज इक्वल टू ए, और इधर भी मैं ये करता हूँ सी इज इक्वल टू नॉन ब्लॉकिंग इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको अगर मैं बिगिन एंड के अंदर कहीं पे लिख रहा हूँ, तो अगर मैंने नॉर्मल इक्वल टू लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि पहले बी ए को असाइन हो जाएगा और फिर ए सी को असाइन हो जाएगा। तो अगर मैं पॉजिटिव क्लॉक के अंदर ये काम कर रहा हूँ तो उस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे पहले बी ए में चला जाएगा, ठीक है, सो ए सी में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी जो बी की वैल्यू थी, ठीक है, बिकॉज बी की वैल्यू ए में आई, ए की वैल्यू सी में आई, तो ये तरतीब से सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग असाइनमेंट, के पहले एक ब्लॉक हो, एक चलेगा स्टेटमेंट और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट चलेगी। नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का मतलब है कि ये दोनों काम पैरेलल में होंगे, सो बी वाली वैल्यू ए में चली जाएगी लेकिन इन पैरेलल ए की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो सी में चली जाएगी। तो जैसा कि हमने रजिस्टर्स में पढ़ा था कि अगर मेरे ये दो रजिस्टर्स हो, ठीक है, एक की आउटपुट को मैं कह दूं ए, यानी सॉरी ये बी से वैल्यू जा रही है ए को और ए से जा रही है, आई डोंट नो ये आज इसको क्या मसला है, ये मुझे कुछ टच का ज्यादा सेंसिटिव इसका हुआ हुआ है, ए
और ए इधर से जा रहा है सी, ठीक है। सो अगर मैं इस तरह दो रजिस्टर बनाना चाहता हूँ कि बी की वैल्यू ए में जाए और ए की वैल्यू सी में जाए, तो नॉन ब्लॉकिंग उसको सही मॉडल करेगा, ये उसको सही मॉडल नहीं करेगा, बिकॉज ये तो बी की डायरेक्ट वैल्यू सी को असाइन कर देगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि दरमियान में कोई भी रजिस्टर नहीं है, बल्कि जो बी की वैल्यू है वो सीधी, या समझो ए की रजिस्टर है जिसका नाम सी भी है और उसका नाम ए भी है। तो ये तो हम नहीं बनाना चाह रहे। जब ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक में मैंने दो दफा लिखा होगा तो इसका मतलब है कि मैं दो रजिस्टर बनाना चाह रहा हूँ। तो ये वाली गड़बड़ हो जाती है जब हम ब्लॉकिंग असाइनमेंट ये वाली लगा रहे होते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव क्लॉक में जब भी रजिस्टर्स बनाने हो तो हम हमेशा नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज करते हैं। तो ये लास्ट टाइम छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया। इनेबल डालना हो तो हमने कहा था कि बीच में इनेबल डालेंगे, और प्लस से हम एडर बना सकते हैं, माइनस से सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर के लिए स्टेरिक, और डिवाइड से डिवाइडर अमूमन नहीं बनता क्योंकि डिवाइडर एक जरा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है और उसके लिए हम अलहदा से डिवाइडर का ब्लॉक लगाते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग एडर और मल्टीप्लायर भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं, यानी इनको बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम मतलब बेसिकली इसके पीछे एक पूरा हार्डवेयर डिजाइन होता है कि मल्टीप्लायर और एडर कैसे बनेगा, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले। लेकिन जो आजकल FPGAs हैं या ASICs पे भी काम करें तो उनमें बने बनाए एडर होते हैं, और जब आप प्लस या मल्टीप्लाई लिखते हैं तो नॉर्मली टूल्स समझ जाते हैं कि इसके पीछे हमने एडर यूज करना है, इसलिए हम सिंपल प्लस और माइनस। ओके सो और फिर हमने एक डिटेल डिजाइन एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने पूरा इस काउंटर का कोड लिखा था, जिसके अंदर शुरू में हमने पोर्ट लिस्ट डिक्लेयर कर दी थी, फिर हमने एक और गेट बनाया था, तो हमने कहा था ऑलवेज एट स्टैटिक से बन जाएगा, इसमें इनेबल नया सिग्नल आया था उसको डिक्लेयर कर दिया था। डिक्लेरेशन में हमने ये वेरिलॉग का एक अजीब सी चीज देखी थी कि रेज का मतलब रजिस्टर नहीं है, रेज का मतलब है कि जब भी कोई भी ऑलवेज के ब्लॉक में साइन हो रही हो चीज तो उसको हमने रेज डिक्लेयर करना है। बाद में हम इनिशियल ब्लॉक पढ़ेंगे, उसमें भी जो चीज साइन हो रही है उसे रेज करना है। असाइन स्टेटमेंट से जो साइन हो रही है उसको रेज नहीं करना, उसको वायर करना। ओके सो फिर हमने मार्क्स इसी तरह बनाया, और मार्क्स के साथ ही हमने एडर सबट्रैक्टर भी बना दिए थे, और उसके बाद हमने आखिरी रजिस्टर बना दिया था। तो ये हमारा एक छोटा सा काउंटर तैयार हो गया था। आज जो हम काम करना जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा एरेज को स्किप करूंगा, बट इस पे मैं बाद में आऊंगा लेक्चर के। आज जो हम काम करना चाह रहे हैं वो है लॉजिक वेरिफिकेशन, कि जब हम ये कोड लिख लिया तो इसको टेस्ट कैसे करें। सो नॉर्मल जब हम सी या सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं तो वहां पर तो हम यानी एक कोड लिखते हैं किसी भी IDE में, जिस तरह डेव में या विजुअल स्टूडियो में, तो हम उधर ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं अगर कोई चीज़ ना चल रही हो, और स्टेप कर करके हम देख सकते हैं कि यार गड़बड़ क्या है, लॉजिक क्यों नहीं काम कर रही। हार्डवेयर में ये मसला होता है कि आपका ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप FPGA पे एक दफ़ा आपने बिट फाइल लिखवा दी, उस पर बर्न कर दी एक सर्किट, तो अब वहाँ पर हमारे पास कोई आंखें नहीं है कि जिससे हम देख सकें कि क्या हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ नहीं चलती तो तब हमें वहां पर कोई डिबगिंग की लॉजिक लगानी पड़ती है, जो कि बड़ा लंबा काम एक तरह का हो जाता है, क्योंकि सिंथेसिस खुद जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है। छोटे प्रोजेक्ट्स में जिस जो अभी आप कर रहे हो उसमें तो 10-15 मिनट लिया करेगा, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ये घंटे भी ले सकता है, 2-3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से भी हो सकता है। सो आप हर छोटी सी डिबगिंग, तो आप कहेंगे अच्छा ये सिग्नल मैं देखना चाहता हूँ, उसके लिए एक तरीका होगा कि अच्छा कैसे देख सकते हैं, और उसको डाल के आप 4 घंटे इंतजार करेंगे, उसके बाद चलाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं ये सिग्नल काफी नहीं था, एक और सिग्नल डालना है, वो डाल के सेंसेस करेंगे तो मजीद 4 घंटे पूरा दिन ही गुजर जाएगा। तो ये वाली चीज में हम नहीं पढ़ना चाहते। तो इससे बचने का तरीका ये होता है कि आप बजाय FPGA पे जाके चीजों को टेस्ट करें, आप उससे पहले ही टेस्ट कर लेते। तो वेरीलॉग में कुछ कोड जो अभी तक हमने पढ़ा है वो कहलाता है फॉर सिंथेसिस, कि आपने कोई डिजाइन जो हार्डवेयर जिससे बनाना हो वो वाला कोड। अब जो हम पढ़ेंगे वो वाला कोड है जो कि हम टेस्टिंग के लिए लिखेंगे, जिससे असल में हार्डवेयर नहीं बनना, जो सिर्फ हमने टेस्ट के लिए लिखा। सो टिपिकली क्या होता है, टिपिकली हम जो टेस्टिंग के लिए कोड लिखते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट बेंच, और उसमें हम कह रहे होते हैं कि जिस चीज को टेस्ट करना चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं मॉड्यूल अंडर टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने काउंटर का कोड लिखा, अगर हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं वो ठीक चल रहा है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि हमारा मॉड्यूल अंडर टेस्ट या डिवाइस अंडर टेस्ट या यूनिट अंडर टेस्ट, ये सारे लफ्ज़ यूज होते हैं, इनका एक ही मतलब है कि जो भी चीज हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से कि मैं वो काउंटर टेस्ट करना चाह रहा हूँ जो अभी हमने बनाया, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता था, कि 0 से स्टार्ट होता था, अगर मैं इंक्रीमेंट का सिग्नल दूं तो वो +1 हो जाएगा, अगर मैं डिक्रीमेंट करूं तो -1। लेट्स से कि मैं उसको टेस्ट करना चाहूँ, तो वो अब मेरा मॉड्यूल अंडर टेस्ट हो गया।
नॉर्मली हम किसी तरीके से उसको इनपुट देंगे और फिर हम देखेंगे कि उसकी आउटपुट ठीक आ रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंक्रीमेंट का सिग्नल दूंगा, देखूंगा कि अच्छा वो 0 से 1 हुआ कि नहीं। फिर एक और साइकिल के लिए इंक्रीमेंट का सिग्नल दूंगा तो वो 1 से 2 हुआ कि नहीं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह आप जो कहते हैं, कई दफा जो हम थोड़ी सी ये इस कोर्स में तो हम तकरीबन इस किस्म का काम कर रहे होंगे कि इस तरह टेस्ट कर लेंगे, तो हमने देखना होगा कि अच्छा मैं इनपुट कैसे जनरेट कर सकता हूँ और आउटपुट को मॉनिटर कैसे कर सकता हूँ। लेकिन टिपिकली अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्किट बना रहे हैं, जो कि कल को आप अलग करें, आप लोगों की जॉब अच्छी जगहों पर लगे और वहां पर आप बना रहे होंगे, तो वहां पर आप सिंपल इस तरह से टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप थोड़ा सा उसको ज्यादा डिटेल में टेस्ट करना चाहेंगे। उसके लिए कई दफा ये होता है कि हम जिस चीज को बनाना चाह रहे होते हैं उसका हम मॉडल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एडर बना रहा हूँ, तो एक तो मैंने एडर का सर्किट बनाया जिसको टेस्ट कर रहा हूँ, एक एडर का मॉडल प्लस के साथ बना दिया और दोनों की इनपुट उसको भी दे दी और उसको भी दे दी, दोनों को दे दी और देखा कि उसकी आउटपुट मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रही तो हमने कह दिया कि अच्छा एरर है, अगर वो मैच कर रही है तो हमने कहा ये तो ठीक है, ये काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। ये भी डिपेंड करता है बाज का आपकी आपकी। आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा थोड़ा ये दोहराए। अच्छा, सबको नहीं आ रही या सिर्फ आपको नहीं आ रही? कोई और बताएगा कि आपको भी नहीं आ रही थी? आपको भी नहीं आ और हमें आ रही है, क्लियर है, बिल्कुल अच्छा आ रही है। मैम मुझे भी नहीं आ रही आपकी आवाज सर, सर। आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं अगर किसी एक को आ रही है आ और दूसरे को रही है नहीं आ सर, रही, आवाज अगर आ रही किसी है जी सर, आवाज जी जी नहीं आ रही आपकी। ठीक है, ठीक है। कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। तो जिनको नहीं आ रही ना, मोस्ट प्रॉब्ली उनका नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसे सेव कर दे, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि जिस चीज को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उसका इंस्टेंस बनाएंगे और फिर उसको इनपुट देंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे। अगर हमने थोड़ा सा सीरियस काम करना हो तो हमारे पास उसका मॉडल भी होता है जिसको हम वही इनपुट देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट मैच कर रही है कि नहीं। तो ये हमारा मेन आइडिया है टेस्टिंग का, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं काउंटर को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो काउंटर को टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने एक counter.v फाइल पहले बनाई हुई थी जिसके अंदर मैंने उसका कोड लिखा हुआ था। तो अब मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा, लेट से कोई भी नाम दे दूंगा। नॉर्मली हम टेस्ट बेंच वाली फाइल को tb underscore और वो जिसको टेस्ट कर रहा हो आगे उसका नाम लिख देते हैं। जिस तरह काउंटर को टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं tb underscore काउंटर लिख दूंगा, इससे जब मैं बाद में कभी देखूंगा तो मुझे नाम देखकर ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये टेस्ट बेंच वाली फाइल है। अच्छा, टेस्ट बेंच को खुद बाहर से इनपुट कोई नहीं आ रही होती, टेस्ट बेंच इसलिए इसके आगे हमने डायरेक्ट सेमी कॉलन लिख दिया क्योंकि इसने तो एक्चुअल में इनपुट्स देनी है काउंटर को और इसने देखना है कि आउटपुट आ रही है। कोशिश करें बाकी लोग म्यूट कर दें अनलेस कोई बात करें, कोई ठक ठक की आवाज भी। ठीक, तो हम सबसे पहले ऐसा एक मॉड्यूल बनाएंगे जो कि टेस्ट बेंच कहलाएगा, मॉड्यूल टीबी अंडरस्कोर काउंटर। उसके अंदर हमने काउंटर लगाना है, तो काउंटर बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करना हो, उसका इंस्टेंस बनाना हो, जस्ट लाइक ऐसी कोई लगाते हैं ब्रेड बोर्ड पे, तो हम उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद इंस्टेंस का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट्स में डॉट लगाकर चीजों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह क्लॉक, रीसेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, काउंट वगैरह को कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, आप इसको कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट करने के लिए मुझे टेस्ट बेंच में कुछ सिग्नल्स बनाने पड़ेंगे जो इनको ड्राइव करें, ठीक है। सो टेस्ट बेंच में जो मुझे सिग्नल बनाने पड़ेंगे उनका मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, नॉर्मली हम सेम नाम ही रख लेते हैं तो ताकि हमें भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें आपने देखा होगा कि मैंने काउंट को वायर डिक्लेयर किया हुआ है, बाकी सबको रेज डिक्लेयर किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा सा बाद में आपको भी बताऊंगा, एक और ब्लॉक होता है ऑलवेज की तरह का इनिशियल ब्लॉक, क्लॉक रीसेट वगैरह हम उसके अंदर असाइन कर रहे होंगे, तो इसलिए हमने उनको रेज डिक्लेयर किया। और काउंट क्योंकि आउटपुट है इस मॉड्यूल की, तो जो भी किसी मॉड्यूल की आउटपुट होती है जब आप उसके इंस्टेंस को टाई कर रहे हो तो वहां पर वो वायर ही होती है, ठीक है। यानी जब हमने काउंटर बनाया था तो उसके अंदर तो हमने काउंट को बेशक रेज डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन अब टेस्ट बेंच के अंदर जब मैंने काउंटर का इंस्टेंस बनाया है तो इसके अंदर जो उसकी जितनी भी आउटपुट्स हों, जो कि इस केस में एक ही है, वो इस केस में हमें हमेशा वायर ही डिक्लेयर करनी पड़ेगी क्योंकि इनको हम ड्राइव नहीं कर सकते, ये वहां से वायर आ रही है, इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं कि आ रही है कि नहीं, इस पे हम वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते, तो हम शुरू में ये डिक्लेयर कर देंगे और इनको हम इस तरह से टाई कर देंगे, क्लॉक को क्लॉक से, रीसेट को रीसेट से, एंड सो ऑन। तो अब हम करना ये चाहते हैं कि ये वाली इनपुट्स जनरेट करें और
उसकी उन इनपुट्स के हिसाब से देखें काउंट की जो आउटपुट आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो गलत आ रही है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है, हमें डिबग करने की जरूरत है। अगर वो सही आ रही है तो इसका मतलब है कि चीजें ठीक काम कर रही है। ठीक है, ओके। तो अब जनरेट कैसे करें इनपुट्स को? तो इनपुट हम चाहते इस तरह है कि हम पहले तो क्लॉक का कोई सिग्नल जनरेट कर लें जो 1010010 होता रहे, और फिर हम चाहते हैं कि किसी राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे रीसेट को 1 कर दें ताकि काउंटर की वैल्यू 0 हो जाए, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इंक्रीमेंट को 1 करूं और थोड़ी देर के लिए डिक्रीमेंट को 1 करूं और देखूं कि इंक्रीमेंट जब मैं 1 करता हूं तो वो क्या क्या फॉर एग्जांपल इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक में पहली दफा इंक्रीमेंट 1 हुआ है, तो इधर से पहले काउंट की वैल्यू रीसेट के बाद 0 ही थी, तो काउंट की वैल्यू इसके बाद इस पॉजिटिव क्लॉक के बाद 1 हो जानी चाहिए। फिर इस पॉजिटिव क्लॉक पे दोबारा इंक्रीमेंट है तो उसको 2 हो जाना चाहिए। फिर इस पॉजिटिव क्लॉक पर डिक्रीमेंट का सिग्नल आया तो उसको 2 से कम होकर वापस 1 हो जाना चाहिए। तो अगर तो काउंट इसी तरह बिहेव कर रहा है कि जब तक वो रीसेट नहीं आया था उस वक्त वो बेशक एक्स वैल्यूज हों, जो कि जब कुछ भी असाइन ना किया हो तो हम उसको एक्स वैल्यू वेरिलॉग में शो कर रहे होते हैं कि वी डोंट केयर कि वो क्या वैल्यू, लेकिन रीसेट के बाद एक तो 0 हो जाए, पहला इंक्रीमेंट आने के बाद 1 हो जाए, दूसरे के बाद 2 हो जाए, ठीक है, बाइनरी में 102 होता है, और फिर डिक्रीमेंट के बाद वापस 1 हो जाए। तो ये बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट है जो कि उसको ये टेस्ट कर लेगा कि ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर थोड़ा थोरो टेस्ट करना चाहें तो हम इसको ज्यादा इनपुट्स भी दे सकते हैं। जो बहुत ज्यादा छोटे सर्किट्स हों, जिस तरह भी हम बना रहे हैं ये काउंटर वाला, इसमें बहुत थोरो टेस्ट करने की जरूरत अमूमन नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही ऐसे 3-4 कंपोनेंट मिलके जरा सा बड़ा कंपोनेंट बना ले तो वहां पर फिर हम थोड़ा डिटेल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, जो कि इस कोर्स में हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये बेसिक कोर्स था, ठीक है। ओके, सो अब हम ये चीजें जनरेट करना चाह रहे हैं, काउंट को तो हमने देखना है, लेकिन ये 4 चीजें हमने जनरेट करनी है। तो इनको जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले क्लॉक को कैसे जनरेट करें? सो इसके लिए ना वेरिलॉग में एक ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं इनिशियल का ब्लॉक, ठीक है। सो इनिशियल का ब्लॉक में ऑलवेज के बजाय हम इनिशियल लिखते हैं और बिगिन एंड डाल के उसके अंदर कोड लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो कोड होता है ना वो सीक्वेंस में चलता है और एक ही दफा चलता है, ठीक है। यानी ऑलवेज का ब्लॉक जो था उसके आगे हमने लिखा हुआ था ऑलवेज एट स्टैरिक या ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक। तो ऑलवेज एट स्टैरिक का मतलब होता था कि अगर कोई भी इनपुट चेंज हुई इस ब्लॉक की तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट खुद ही हो जाएगा, और ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक का मतलब ये होता था कि जब भी पॉजिटिव क्लॉक आएगा तो ये ब्लॉक खुद ब खुद एग्जीक्यूट। तो वो एक दफा एग्जीक्यूट नहीं होता था बल्कि वो हर पॉजिटिव क्लॉक के ऊपर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होता था अगर पॉजिटिव क्लॉक वाला है, या हर इनपुट के चेंज पे हो रहा होता था अगर ऑलवेज एट स्टैरिक वाला है, तो उससे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट मॉडल हो जाते। इनिशियल का ब्लॉक जो है वो बस बिल्कुल स्टार्ट ऑफ सिमुलेशन पे चलता है और बिल्कुल शुरू से आखिर तक चल जाता है और एक ही दफा चलता है। तो अब हम इसमें इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं जिस तरह सी में हम मेन फंक्शन लिखते थे तो मेन से चीजें स्टार्ट होती हैं और वो चलती हैं तरतीब से आगे जाती हैं, उसी तरह वेरिलॉग में इनिशियल का ब्लॉक है। और इनिशियल का एक ब्लॉक जरूरी नहीं है, इनिशियल का सिर्फ फर्क यह है कि मेन तो एक ही होता था सी में, इसमें इनिशियल आप बेशक 5-10 इनिशियल लगा लें जितने मर्जी लगा लें तो वो सारे के सारे स्टार्ट ऑफ सिमुलेशन पे शुरू होंगे और चलना शुरू हो जाएंगे पैरेलल। तो अभी हम देखना सिर्फ क्लॉक चाह रहे हैं, क्लॉक जनरेट करनी है। तो क्लॉक एक ऐसा सिग्नल है जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने 1 और 0 करना है। तो यहाँ पर हम एक लूप लगा सकते हैं, ठीक है, कि जो एक इनफाइनाइट लूप लगा दें जिसके अंदर हम क्लॉक को थोड़ी थोड़ी देर बाद नॉट करते जाएं, अगर वो 0 था तो 1 कर दें, 1 था तो 0 कर दें, तो ये हमारा सिग्नल बन जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप कैसे लग सकता है? वेरिलॉग में हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, व्हाइल लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लॉक को जनरेट करने के लिए उन्होंने इससे भी नीट किस्म का एक लूप वैसे दिया हुआ है, वो ये है फॉरएवर लूप। फॉरएवर का लूप है का मतलब है हमेशा चलते रहो, ठीक है। तो हमने शुरू में कहा कि क्लॉक 0 हो जाए, और फॉरएवर का मतलब है हमेशा, #5 क्लॉक इज इक्वल टू नॉट ऑफ क्लॉक, #5 का मतलब है कि 5 टिक्स का डिले दे दो, ठीक है। टिक क्या होती है वो मैं बाद में बता दूं, आप ये समझें कि सिमुलेशन के अंदर जब आप इसको सिमुलेट कर रहे होंगे तो उसमें हमने कोई ना कोई एक टिक डिफाइन की होगी कि यार इतना जो हम खुद नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट डिफाइन हुई होगी कि जब मैं 1 कहूं तो इसका मतलब है कि 1 नैनोसेकंड आगे चले जाओ, 2 नैनोसेकंड, तो ये कितना आगे जाना है सिमुलेशन में, ठीक है। असल टाइम में जब वो सर्किट चल रहा होगा उससे उसमें हम कितना मॉडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने #5 कह दिया, 5 टिक्स के बाद इसको कर दो, तो इसका मतलब है कि
यहाँ पर शुरू में जीरो किया है तो पांच के बाद ये वन हो जाएगा, फिर पांच के बाद ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉट ऑफ क्लॉक किया हुआ है, तो वन को नॉट किया तो जीरो आ जाएगा, जीरो को नॉट किया तो वन आ जाएगा, फिर वन को नॉट किया तो जीरो आ जाएगा। तो ये हर पांच पांच टिक्स के बाद नॉट करता जा रहा है, तो ओवरऑल समझो कि 10 टिक्स का एक साइकिल हमारा बन जाएगा इसके अंदर, क्योंकि पांच के बाद नॉट किया तो जीरो हुआ, फिर पांच के बाद नॉट किया तो वन हो गया, तो ये 10 ओवरऑल का साइकिल बन गया। और क्योंकि मैंने फॉरएवर लिखा हुआ है और ये इनफाइनाइट लूप है, तो ये चलता जाएगा जब तक हम इसको रोक न ले। ओके, सो फॉरएवर मैंने आपको बता दिया, हैश फाइव भी मैंने आपको बता दिया, और ये भी मैंने बता दिया कि ये इनिशियल जो है जो बिल्कुल सी स्टाइल का ब्लॉक है जिसमें आप सिक्वेंशियली एक एक स्टेटमेंट चला रहे होते। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि मैं रीसेट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को कैसे वैल्यू दूं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो काम इधर लेफ्ट टू राइट हो रहा है ना, वो काम हम अगर इनिशियल के ब्लॉक में टॉप टू बॉटम लिखें, क्योंकि एक एक करके चीजें चल रही हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। सो हम एक और इनिशियल ब्लॉक बना देंगे, जैसे मैंने कहा था कि एक से ज्यादा इनिशियल ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम अच्छा एक तरीका हमने डिले डालने का भी पढ़ लिया हैश का, लेकिन अभी हम एक और तरीका भी पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एट का सिंबल, एट समथिंग। ठीक है, सो अगर ये हो जाए तो ये करो। ठीक है, तो वो फिर उसका वेट करता रहता है। ठीक है, तो हम करना ये चाहते हैं कि शुरू में सबको जीरो कर दे। तो शुरू में सबको जीरो करना है, तो मैं इनिशियल ब्लॉक में कह दूंगा कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट तीनों को जीरो कर दो। फिर मैं चाहता हूं कि जब पॉजिट क्लॉक गुजर जाए उसके लेट से एक टिक के बाद रीसेट को वन कर दो। तो मैं कह दूंगा एट पॉजिट क्लॉक रीसेट इज इक्वल टू वन, और मैंने इधर हैश वन डाल दिया। हैश वन का मतलब है कि एक टिक गुजरने के बाद इसको वन कर दो। तो ये पॉजिट क्लॉक आया, इसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजारा और हमने इसको वन कर दिया। इसका मतलब है कि रीसेट असल में अगले पॉजिट क्लॉक पे वन होगा, इस वाले पॉजिट क्लॉक पे हमने सेट किया, ये इसके थोड़ा सा आगे। सारे रजिस्टर्स तकरीबन ऐसे ही काम कर रहे होते हैं कि जब आप उनको कोई वैल्यू देते हैं वो क्लॉक एज के थोड़ा सा बाद जाकर वन होते हैं। तो उसको मॉडल करने के लिए हमने हैश वन डाला। यहाँ पर हमने नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट डाली हुई है। यहाँ पे वैसे मैं अगर ब्लॉकिंग भी डाल देता तो ज्यादा फर्क ना पड़ता, मैं अभी अगली स्टेटमेंट्स ब्लॉकिंग डाल दूंगा। उसके बाद मैंने एक और पॉजिट क्लॉक गुजारा। ठीक है, सो पॉजिट क्लॉक गुजारा और रीसेट को मैंने जीरो कर दिया। तो इसका मतलब है कि चीजें रीसेट हो जाएंगी। अगर मैं चाहूँ कि बस सर्किट ऐसे होते हैं जिनको रीसेट ज्यादा देर के लिए चाहिए होता है, तो मैं इधर कहते हैं एक लूप भी लगा सकता हूँ कि मैं वेट करता रहूँ थोड़ी देर के लिए। मैं आगे दिखाऊंगा कि वेट का लूप कैसे लग सकता है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक और पॉजिट क्लॉक जब गुजरे तो मैं इंक्रीमेंट को वन कर दूँ। ठीक है, सो इधर आप देखें, इधर मैंने अब दूसरे तरीके से लिखा, इधर मैंने लिखा है एट पॉजिट क्लॉक। सो एट का जिस तरह ऊपर भी था, एट पॉजिट क्लॉक का मतलब है वेट करो जब तक पॉजिट क्लॉक नहीं आता। और इधर इसके आगे मैंने सेमी कॉलन डाल दिया। सेमी कॉलन का मतलब ये हुआ कि पॉजिट क्लॉक का इंतजार करो और उस पर कुछ भी ना करो। और कुछ भी ना करो के बाद मैंने कहा अच्छा, आप जब पॉजिट क्लॉक आ गया है तो उसके बाद एक टिक आगे चले जाओ, हैश वन का ये मतलब है, और इंक्रीमेंट को वन कर। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह मैंने इधर नॉन ब्लॉकिंग किया था। अगर मैं इधर इंक्रीमेंट के आगे नॉन ब्लॉकिंग डाल के एश वन डाल देता तब भी, और ये सेमी कॉलन ना डालता तब भी, इसने वही काम करना था जो ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो सेमी कॉलन का मतलब है कुछ ना करो। तो अगर आपने सिर्फ डिले डालना हो, आप एट पॉजिट क्लॉक सेमी कॉलन डाल दें तो एक साइकिल का डिले आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट मैंने वन किया तो दो साइकिल गुजर जाए। ठीक है, तो दो एक साइकिल गुजारने का मैंने आपको बता दिया कि एट पॉजिट क्लॉक सेमी कॉलन है, तो दो साइकिल गुजारने का मतलब है कि मैं एट पॉजिट क्लॉक दो दफा कर लिख दूं सेमी कॉलन डाल के। लेकिन अगर एक से ज्यादा दफा काम करना हो तो लूप भी लगा सकते हैं हम। तो एक लूप इसमें और भी होता है, यानी फॉर और वाइल भी होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये अगर आपने फिक्स्ड आपने कोई 10 20 25 30 टाइम कोई काम करवाना है तो हम रिपीट कह देते हैं कि रिपीट टू एट पॉजिट क्लॉक सेमी कॉलन। इसका मतलब है दो दफा रिपीट करो पॉजिट क्लॉक सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन पे ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है, तो ये वाली लाइन जो है ना, ये नीचे वाला जो दो लाइनें हैं ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, सेमी कॉलन पे ये खत्म हो गई। इसका मतलब है दो दफा पॉजिट क्लॉक गुजार दो। तो यहाँ से हम चले थे, हमने कहा एक पॉजिट क्लॉक गुजार दो, दूसरा पॉजिट क्लॉक गुजार दो, तो यहाँ पर पहुंच गए। इसके बाद हमने कहा हैश वन के एक टिक आगे जाओ, और उसके बाद हमने कहा कि यार इंक्रीमेंट को जीरो कर दो और डिक्रीमेंट को आप वन कर दो। अगले साइकिल में हम डिक्रीमेंट को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जिस चीज को जिस स्टेट पे रखेंगे, फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट को वन किया था, तो अब हम अगर पॉजिट क्लॉक गुजारते जाएंगे तो इंक्रीमेंट वन ही रहेगा, वो वापस जीरो खुद से नहीं होगा, हमें खुद करना है। जो कुछ भी चेंज आनी है, यानी इस डायग्राम में आपने लेफ्ट टू राइट देखना है कि कोई भी चेंज करनी है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छा अब मैं रीसेट देना चाहता हूँ, अब मैं इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ, अब मैं इंक्रीमेंट को वापस जीरो करना चाहता हूँ और डिक्रीमेंट को वन करना चाहता हूँ।
एंड सो ऑन, तो वो हमें खुद करना है। तो इधर हमने डिक्रीमेंट को वन कर दिया। अब डिक्रीमेंट को वन करने के बाद अगला काम हमें क्या नजर आ रहा है, रिपीट। मैंने आपको बता दिया कि रिपीट के आगे ब्रैकेट में हम बता देते हैं कितनी दफा करना है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल भी आ सकता है, अगर कोई आपने 10-20 दफा करना है, अगर आप कोई सीरियस डिजाइन बना रहे हैं तो कई दफा हम रैंडम नंबर जनरेट करके उधर रैंडम डिलेज भी बीच में इस तरह डाल देते हैं यहाँ पे रैंडम नंबर। अब मैंने एक और पॉजिटिव क्लॉक गुजारना, तो और उसके बाद डिक्रीमेंट को जीरो करना है, तो मैंने लिख दिया एट पॉजिटिव क्लॉक, और एट पॉजिटिव क्लॉक पर आकर मैंने डिक्रीमेंट को जीरो कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने काम करने थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और टाइम गुजरे ताकि मैं देख तो सकूं कि डिक्रीमेंट का असर भी हुआ था कि नहीं। तो नॉर्मली आखिर में हम थोड़ा सा ना डिले एक्स्ट्रा डाल देते हैं, 20-25 साइकिल, 30 साइकिल, डिपेंडिंग ऑन कैसा डिजाइन है, हो सकता है ज्यादा डाल दें। तो इस केस में मेरा ख्याल है हम 10-20 साइकिल डाल दें तो काफी है। उससे ये भी पता चल जाएगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों जीरो हो तो कहीं खुद ही से तो नहीं काउंटर इंक्रीमेंट होता जाता। तो हम डिले डालना हम पहले भी देख चुके हैं कि रिपीट टू एट पॉजिटिव क्लॉक जो था वो डिले डाल रहा था 2 क्लॉक साइकिल का। तो अगर मैंने ज्यादा का डालना है तो मैं रिपीट 20 एट पॉजिटिव क्लॉक डाल दूं तो ये 20 क्लॉक साइकिल्स का डिले बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि सिमुलेशन मेरी रुक जाए, यानी ये वाले काम रुक जाए। तो रोकने के लिए हम लिखते हैं डॉलर स्टॉप। डॉलर स्टॉप से का मतलब है कि ये यहाँ पर सिमुलेशन आकर खुद ब खुद रुक जाती है, ठीक है। तो ये तरीका है टेस्ट बेंच लिखने का है। तो टेस्ट बेंच लिखने को अगर मैं क्विकली रिकैप करूं तो इसमें हमने एक इनिशियल का ब्लॉक पढ़ा जो कि मेन की तरह का होता है, यानी और ऑलवेज इस तरह से डिफरेंट है कि ये शुरू से स्टार्ट होता है और एक ही दफा चलता है। तो हमने क्लॉक जनरेट करने के लिए उसके अंदर इनफाइनाइट लूप लगा दिया तो वो चलता ही रहा। इसके लिए हमने इनफाइनाइट लूप नहीं लगाया बल्कि हमने एक एक करके जो इनपुट्स को जो जो वैल्यू देनी थी वो देते गए। वेट करना होता था तो हम एट पॉजिटिव क्लॉक लगा देते थे, और अगर हमने एक आठ टिक का डिले देना हो तो #1 #2 करके हम एक या दो टिक का डिले दे सकते हैं। करना चाहते तो हम ये एट पॉजिटिव क्लॉक के बजाय भी #10 लिख देते तो एक मतलब क्लॉक साइकिल आगे चले जाते, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसमें आप कई दफा क्लॉक से थोड़ा सा मिस अलाइन हो जाए तो वो फिर मिस अलाइनमेंट के साथ ही आप डिले देना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप एट पॉजिटिव क्लॉक का मतलब है कि फिर आप क्लॉक ऐसे ऑटोमेटिकली लें। ओके, कई कुछ टूल्स में डॉलर स्टॉप के बजाय आपको डॉलर फिनिश डालना पड़ता है, ज्यादातर डॉलर स्टॉप चल जाता है। आप ज़ाइलिंक्स आईएसी यूज कर रहे होंगे तो डॉलर स्टॉप ही वहां पर आपका काम कर देगा, ठीक है। अगर आप कोई और टूल यूज कर रहे हो जिस तरह आई वेरिलॉग है या मॉडल सिम है, उसमें हो सकता है कि डॉलर फिनिश आपको डालना पड़ जाए सिमुलेशन रोकने के लिए। आप चाहें तो इधर डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी प्रिंट करना हो जिस तरह सी आउट करते हैं सी में, उस तरह आप इधर भी कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं डॉलर डिस्प्ले। और उसके बाद अगर आप लोगों ने C++ पढ़ी है, वैसे सी पढ़ी हो तो उसमें जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो काफ़ी क्लोज टू डॉलर डिस्प्ले है। सिर्फ ये है कि ये काउंट इज इक्वल टू परसेंट ही लिखूंगा और आगे काउंट लिख दूंगा, तो इसका मतलब है काउंट को डेसिमल में डिस्प्ले करो। इधर काउंट इज इक्वल टू इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा, परसेंट डी का मतलब है इसको डेसिमल में करो। अगर मैं परसेंट एच लिख दूंगा तो ये हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले हो जाएगा, अगर मैं परसेंट बी लिखूंगा तो बाइनरी में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सी आउट से डिफरेंट है, लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जहां जहां पर नंबर को डिस्प्ले करना हो वहां पर परसेंट डी, परसेंट बी, परसेंट एच वो आप लिख दें और कॉमा डाल के आगे बता देंगे भाई नंबर कौन सा वेरिएबल डिस्प्ले करवाना, बाकी ये सी आउट की तरह का काम। कुछ टूल्स में आपको मैन्युअली, अगर आप ये वाली वेव फॉर्म हम इवेंचुअली देखना चाहेंगे कि ये आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो अगर करना चाहें तो कुछ टूल्स में आपको डंप फाइल बतानी पड़ती है और साथ डंप वार्स कॉल करना पड़ता है। हम अभी ज़ाइलिंक्स आईएससी यूज करेंगे तो उसके अंदर ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो लाइनें अगर आपने नहीं भी लिखी तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप लेट्स से आई वेरिलॉग या कोई ऐसा टूल यूज कर रहे हो तो उसमें आपको ये करेंगे तो एक वेवफॉर्म फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा waveform.vcd, और उसको आप एक और टूल में खोल के देख सकते हैं वेवफॉर्म निकलेंगे। हमारा जो है वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जस्ट क्विक रीकैप के तौर पे देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने डिवाइस अंडर टेस्ट को इंस्टेंशिएट किया था, काउंटर को इंस्टेंशिएट किया था, उसकी जो इनपुट्स थी उनको हमने रेज डिक्लेयर कर दिया था, उसके आउटपुट को वायर। रेज इसलिए किया था कि ये सारे इनिशियल के ब्लॉक में करें, अगर मैंने कोई असाइन स्टेटमेंट से किसी को असाइन करना होता तो मैं उसको वायर डिक्लेयर कर देता, लेकिन टिपिकली हम इनिशियल के जरिए ही जा रहे होते हैं तो वो चल जाएगा।
उसके बाद हमने क्लॉक जनरेशन का कोड पढ़ा, जिसके अंदर हमने कहा कि एक इनिशियल का ब्लॉक लगाया, क्लॉक को शुरू में जीरो किया, और उसके बाद मैंने एक इनफिनाइट लूप कर लिया कि क्लॉक इज इक्वल टू नॉट ऑफ क्लॉक। जी कोई क्वेश्चन? बोला था नहीं? अच्छा, उसके बाद हमने जिस तरह मेन लिखते हैं सी में, उस तरह हमने जो भी हम सिमुलेशन में इनपुट्स आउटपुट्स देना चाहते थे उस तरह का एक इनिशियल ब्लॉक लिखा, जिसमें हमने वन बाय वन वो काम किए जो कि हम वेव फॉर्म में लेफ्ट टू राइट देखना चाह रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा टेस्ट बेंच। ये जब पूरा हो जाए तो हम इसको Xilinx IIC में लेट से सिमुलेट करेंगे, और सिमुलेट करके हम इसको देख कि इसकी वेवफॉर्म कैसी आ रही है। अगर तो वेवफॉर्म ठीक आ रही है, गड़बड़ कोई नहीं आ रही, तो इसका मतलब सर्किट ठीक काम कर रहा है। अगर लेट्स है कि मैं इंक्रीमेंट करूं और ये इंक्रीमेंट ना हो, तो फिर क्या करूंगा कि मैं इस वेवफॉर्म में इस काउंटर के अंदर के सिग्नल्स भी डाल सकता हूं और उनको देख सकता हूं कि अच्छा भाई इंक्रीमेंट तो आया था, तो मैंने जो और गेट बनाया था उससे इनेबल जनरेट क्यों नहीं हुआ काउंटर का, और जो मक्स था उसकी मक्स ने क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो उसको थोड़ा सा हम बैक ट्रेस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम जो आउटपुट गलत आ रही है वो देखते हैं कि वो कहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो वो जहाँ से आ रही थी उस वाले रजिस्टर पे चले जाते हैं, उसके इनेबल्स और उसके डाटा इनको देखना शुरू कर देते हैं, फिर उससे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो अगर हम ये काम यहाँ पर अच्छे तरीके कर लें, सिमुलेट कर लें, ये टेस्ट में लिख के चला लें, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको जब आप FPGA पे जाएंगे तो उस वक्त प्रॉब्लम कम फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त हम काइंड ऑफ ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें नहीं यानी नजर आ रहा होता कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। आप बस चलाते हैं, चीज नहीं चली तो नहीं चली, तो वो उसको डीबग करने बैठे तो कई दफा मैंने देखा है कि इस तरह भी हो जाता है कि लोगों ने जो जिन्होंने टेस्टिंग अच्छी नहीं की हुई होती वो उन बग्स को निकालते हुए उनको हफ्तों लग जाते हैं। अगर उन्होंने टेस्टिंग सही की होती तो वो एक दो चार दिन लगाकर अच्छा भला बड़ा प्रोजेक्ट भी चल जाता। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दोबारा एम्फसाइज करूंगा। मैंने आपको जो तरीका बताया कोड लिखने का, इसको आप जहन में पक्का बैठा लें कि आपने कोड उस वक्त तक नहीं लिखना जब तक आपकी डिज़ाइन डायग्राम कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, आपकी एक नीट डिज़ाइन डायग्राम आपने कागज़ पे बनाई हो तब आप कोड लिखें, फिर आप वेरीलॉग कोड लिखें जिस तरह पिछली क्लास में हमने किया था, और उसके बाद आप एक टेस्ट बेंच लिखें जो कि उस कोड को टेस्ट कर रहा हो। ज़रा सा भी बड़ा सर्किट हो, जिस तरह ये काउंटर है तो हमें इसको कोड लिख कर चेक करना चाहिए, इससे बड़ा हो गया तो मजीद जरूरी हो गया कि टेस्ट बेंच जरूर लिख कर चेक करें। तो ये टेस्ट बेंच लिखें, इसको रन करके देखें कि चीजें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही। अब इसको रन कैसे करेंगे? ठीक है, सो इसको रन करने के लिए बहुत से टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, रन करने से पहले एक छोटी सी बात मैं मिस कर गया, जो आप टेस्टिंग है ना, जो टिपिकली जो मैं अब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप हार्डवेयर डिजाइन में डिजाइन जितना टाइम लेता है टेस्टिंग उससे ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, तो अगर आपने डिजाइन में लेट से कि एक महीना लगाया था तो टेस्टिंग जो है वो डेढ़ महीने की हो शायद। ठीक है, तो 60-40 का रूल हमें कहते हैं कि 60% टाइम आपका टेस्टिंग में लगता है, 40% टाइम डिजाइन में लगता है। तो ये मैं अलहदा से इसलिए बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर से डिफरेंट काम है, कि सॉफ्टवेयर में आप कह लें कि अगर आपने शुरू में टेस्टिंग ज्यादा ना भी की हो तो आप उसको इजीली डिबग कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में क्योंकि आप इजीली डिबग नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने ये वाली जो सिमुलेशन बेस्ड टेस्टिंग जिसको हम कह रहे हैं, ये हमने आपने हमेशा करनी है और डिटेल से करनी है ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, बल्कि चला के दिखाने से पहले एक ये कर लेते हैं कि हम 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, पिछली दफ़ा की तरह ही हम नमाज पढ़ लेते हैं, और नमाज पढ़ के फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लास को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे पास 5:08 हुए हैं, तो हम इंशाल्लाह 5:18 पर रिज्यूम करें। ठीक है जी? ओके, ठीक है सर।